हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग का जो सफर होता है वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। अगर आप स्पेशली पहली बार माँ बनती हैं तो ये जो प्रोसेस होता है वो और भी ज्यादा पेनफुल हो जाता है। डिलीवरी के तुरंत बाद आपके ब्रेस्ट में मिल्क नहीं आएगा। ब्रेस्ट में मिल्क आने में कम से कम 1 से 2 दिन का टाइम लग जाता है। आप जो है मिल्क को निकालने की कोशिश करेंगी तो डायरेक्ट मिल्क नहीं आएगा, बल्कि उसकी जगह आप देखेंगी एक पीला पीला सा पदार्थ आएगा जिसको कि कोलेस्ट्रम बोला जाता है। ये बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसको आपको बच्चे को जरूर देना है। पहली बार बच्चे के मुंह में निप्पल्स रखती हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा पेन होगा। आपको जो है बच्चे के मुंह में हल्की से उंगली डाल के पूरा मुंह खोल के पूरी निप्पल्स को एंड वो ब्लैक वाला एरिया को अच्छे से अंदर कर देना है, तो आपको बहुत ज्यादा पेन नहीं होगा। हमेशा याद रखना है कि जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो बच्चे को अपने पास लेके आना है, ना कि आपको बच्चे के पास जाना है। जब आप जो है दूध वगैरह पीना स्टार्ट करती है, हरीरा वगैरह लेती है, दलिया वगैरह कुछ खाती है, तब जो है आपका मिल्क जो है अच्छे से आना स्टार्ट होता है। और शुरुआत में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मिल्क आएगा। आप बच्चे को ऊपर का मिल्क देने की बहुत जल्दबाजी ना करें। अगर आपके मिल्क आने में 2 से 3 दिन का टाइम लग रहा है तो आप बच्चे को हमेशा फॉर्मूला मिल्क ही दें। बच्चे को गाय एंड भैंस का दूध गलती से भी ना दें। बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इतना ज्यादा मजबूत नहीं होता है कि वो किसी भी जानवर का दूध पचा सके। आप जब फीड कराएंगी तो आप नोटिस करेंगी कि आपके ब्रेस्ट में पेन होगा, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है क्योंकि शुरुआत होती है, बॉडी में दूध एकदम से बनता है। आप देखेंगे आपके ब्रेस्ट एकदम से हैवी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा तन जाते हैं, आपकी नसें एकदम से बहुत ज्यादा फूल जाती हैं, जिस वजह से आपको पेन होगा। लेकिन ये जो पेन होता है वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप मिल्क बच्चे को पिलाती जाएंगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, अपने आप ही कम होने लगेगा। क्योंकि बच्चा शुरुआत में बहुत ज्यादा मिल्क नहीं ले पाता है और आपकी जो बॉडी होती है वो मिल्क बहुत ज्यादा बनाती है, उसको पता ही नहीं रहता है कि कितना मिल्क बनाना है कितना नहीं बनाना है। आप जो है अगर बच्चे को बहुत ज्यादा देर तक दूध नहीं पिलाती है तो आपके ब्रेस्ट से मिल्क अपने आप ही टपकना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको इसमें भी बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ये जो प्रक्रिया होती है शुरुआत के लगभग 6 से 7 महीने तक नॉर्मल होती है, कभी भी दूध टपकने लग जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हर 2-2 घंटे बाद बच्चे को फीड कराते रहना है। शुरुआत में बच्चा बहुत ही ज्यादा सोता है तो आप उसको उठा के एंड उसको फीड जरूर कराएं। आप ऐसा ना करें कि बच्चे को सोने दें, क्योंकि छोटे बच्चे जो शुरुआत में जब उनकी डिलीवरी होती है तो उनको 3 महीने तक ऐसा लगता है कि जैसे वो माँ के पेट में ही है, तो वो उसी तरीके का रिएक्ट करते हैं। कि जब आप बच्चे को 3-3, 4-4 घंटे का गैप कर देंगे तो आप देखेंगे आपके ब्रेस्ट में दूध जो है जमना स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेस्ट एकदम से टाइट हो जाएगी, बिल्कुल पत्थर जैसी हो जाएगी। एंड आप जब उसको टच करेंगी तो बहुत ज्यादा गर्म लगेगी एंड हो सकता है कि उस दौरान आपको फीवर भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, और आपकी पूरी बॉडी में पेन भी हो सकता है। आपको ऐसी समस्या ना हो तो आपको बच्चे को हर 2-2 घंटे बाद फीड कराते रहना है। अगर बच्चा फीड नहीं कर रहा है और आपका मिल्क बहुत ज्यादा आ रहा है तो आपको क्या करना है कि ब्रेस्ट पंप मंगा के रखना है। तो आपको तुरंत ही उसको ब्रेस्ट पंप की सहायता से निकाल देना है, क्योंकि अगर वो भरा रहेगा तो जो है दूध जमना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको उतनी ही ज्यादा समस्या होगी। और आपके डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट में पेन होने का एक कारण और होता है, वो होता है आपकी बॉडी में हार्मोन्स का बदलाव होना। हो सकता है कि आपके ब्रेस्ट में एक ही जगह पर थोड़ा सा पेन हो, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ब्रेस्ट में जो दूध वाली नलिकाएं होती हैं उनमें कभी कभी जो है थोड़ी सी जगह पर दूध जमा हो जाता है, तो इस वजह से भी ऐसा होता है। और आप नोटिस करेंगी कि जब आप बच्चे को उस दौरान दूध पिलाएंगी तो आपको पेन तो बहुत होगा लेकिन आपको उस दर्द में काफी ज्यादा रिलीफ भी मिलेगा, तो ये भी समस्या बिल्कुल नॉर्मल है। एंड अगर आपको दर्द बहुत ज्यादा होता है तो आप डॉक्टर से मिलके एक पेन किलर जरूर ले सकती हैं। एंड उसके अलावा आप जो है अपनी बर्फ से सिकाई करें, इससे भी बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। और आपको एक बात ध्यान रखती है कि आपके ब्रेस्ट में दर्द आपका टाइम के साथ बहुत ही ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है, बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, या फिर आपको रेडनेस वगैरह हो रही है या फिर और कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको ऐसे में तुरंत ही डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। और एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है कि अगर आप बच्चे के मुंह में निप्पल्स को अच्छे से नहीं रखती है तो हो सकता है बच्चा जो है आपके निप्पल्स में जो है मसूड़ों से कट मार दे एंड आपकी निप्पल जो है छिल भी सकती है, जिस वजह से आपको निप्पल्स में बहुत ज्यादा सूजन भी आ सकती है एंड आपको बहुत ज्यादा पेन भी हो सकता है। और कभी कभी तो बच्चा जो है इस तरीके से कट कर देता है कि किसी किसी मदर की निप्पल्स जो है
पक जाती है एंड उसमें पस पड़ जाता है, जिस वजह से जो है मदर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये समस्याएं तब होती है जब कोई बताने वाला नहीं होता है। जब भी आप बच्चे के मुंह से पस निकालती है तो कभी भी डायरेक्ट ना खींचे। अगर आप डायरेक्ट खींचती है तो इस सिचुएशन में आपकी निप्पल छिल सकती है एंड कट भी सकती है। तो आपको क्या करना है, बच्चे के मसूड़े के साइड से हल्की सी उंगली डाल के एंड उसके बाद में निप्पल्स को बाहर करना है। इससे क्या होगा कि बच्चे का मुंह थोड़ा सा खुल जाएगा एंड आपकी निप्पल्स अच्छे से बाहर निकल आएगी, क्योंकि बच्चा अक्सर जो है दूध पीते पीते सो जाता है। जब आप बच्चे को दूध पिलाना सीखती है एंड बच्चा भी सीखता है तो आप ऐसी गलती ना करें। इस दर्द से बचने के लिए आप जो है बच्चे को दूध ही ना पिलाएं। ये जो दर्द है अगर आप छोटी छोटी सावधानियां रखती है तो आपको रिलीफ मिलेगा एंड बहुत ही जल्दी आपको इससे छुटकारा भी मिल जाएगा। अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है और आपके ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है तो आपके जो है गांठ वगैरह भी बढ़ सकती है और आपको और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आप इसलिए थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त कर ले। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं। और ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दे ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो।